Hello everyone. In the last video, we have discussed about skeletal system, different parts of human skeleton system, cartilages, joints, different types of joints. And now in this video, we will discuss about muscles. So let's start now. Now muscles. Below our skin and above our bones lie soft tissues, and these tissues are known as muscles. Our body consists of more than 600 muscles, and muscles are attached to a skeleton. They are joined to a bone by a strong and tough band, which is known as tendons. So muscles are made up of fibers which are generally attached to the bones. How? By means of tendons. The main work of the muscular system is to provide movement to the body along with the skeletal system. आपका main function होता है muscular system का कि वो provide करते हैं आपको movement, आपकी body को movement provide करते हैं skeletal system के साथ. Okay? So your bones cannot move by themselves. They need something to move. वो अपने आप नहीं move करते, उन्हें कुछ चाहिए move करने के लिए. And the bones in our body are covered with muscles. Muscles are just below our skin. हमारे skin के नीचे होते हैं. Muscles and bones together help in moving the parts of your body. They also give shape to the body. वो हमारी body को shape देते हैं. It is the muscles and bones of the hands that make your hand able to dance and write. आपके muscles हैं, bones हैं, जिनकी help से muscles, bones आपके hand के help करते हैं आपके hands को dance करने के लिए, write करने के लिए. And these muscles are made up of tough elastic tissue. ये muscles जो होते हैं एक elastic tissues के बने होते हैं और ये attach होते हैं bones से. ठीक है, एक बैंड टिश्यू के बैंड से, एक टफ बैंड ऑफ टिश्यू से अटैच होते हैं बोन से. एंड द नेम ऑफ दैट टफ बैंड ऑफ टिश्यू इज नोन एज टेंडन्स, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, टेंडन. इट मीन्स मसल्स आर अटैच टू द बोन बाय अ टफ बैंड ऑफ टिश्यू विच इज नोन एज टेंडन्स. ओके, so there are more than 600 muscles in our body. There are about 640 muscles in your around 640 muscles in our body. Now we will learn about two main terms, bicep and tricep. ठीक है, now we will learn about how the movement take place in muscle, how do muscles work. Muscles of our body can only pull, दे कैन नॉट पुश. मसल्स हमारी बॉडी के सिर्फ पुल कर सकते हैं, वो पुश नहीं करते. टू मसल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव अ बोन एट जॉइंट. कोई भी दो मसल्स आपके, तो जो आपके दो मसल्स मूव करते हैं आपकी बोन को, कहाँ से, जॉइंट से. एंड मसल वर्क इन पेयर्स, पेयर्स में वर्क करते हैं. हाउ? बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेचिंग, यानी कि रिलैक्सिंग, या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होंगे मसल्स का. कैसे? मसल्स कैन ओनली पुल द बोन. मसल्स सिर्फ बोन्स को पुल करती हैं, पुश नहीं करती हैं. दे कैन नॉट पुश दैम. सो टू मूव द बोन्स, अगर आपको बोन्स को मूव करना है, एटलीस्ट टू मसल्स आर रिक्वायर्ड. तो उसके लिए अब कम से कम दो मसल्स की ज़रूरत है आपको. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेन यू बेंड योर आर्म, जब आप अपने आर्म्स को बेंड करते हैं. ठीक है, अब आप अपने आर्म्स को बेंड करिए. चलिए, तो वेन यू बेंड योर आर्म्स, जब आप अपने बेंड आर्म्स को बेंड करेंगे, वन मसल दैट इज बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट शॉर्टन. एक मसल आपकी क्या होगी, देखिए आपकी कोई एक मसल क्या होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई. देखिए ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और छोटी हो जाएगी. दैट इज वाई द मसल ऑन टॉप बिकम स्टिफ. यहाँ देखिए, तभी तो आप देखें ये फूल जाता है, स्वेलिंग, ऐसा लगता है जैसे स्वेलिंग आ गई हो. ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ पे मसल्स बन गए हो. कहते हैं ना मसल्स क्यों होता है, जब आप ऐसे फोल्ड करते हैं
जब आप इसे बेंड करेंगे, जो आपका अपर मसल होता है वो क्या हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्टिफ हो गया, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो गए और शॉर्टेंड हो गए, दैट इज व्हाई मसल ऑन टॉप बिकम स्टिफ। व्हाइल द लोअर मसल, अब आप देखिए जो आपका लोअर मसल है, ठीक है, अब आप देख रहे हैं जो लोअर मसल है आपका, वो जिसे हम बोलते हैं ट्राइसेप, वो स्ट्रेच करने लगेगी, रिलैक्स करने लगेगी, एंड विल स्ट्रेच बैक योर आर्म, ठीक है। जब आप दोबारा स्ट्रेच बैक करेंगे, दोबारा आप देखिए स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, आप देखिए अब क्या हुआ, लोअर जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, है ना, और जो अपर मसल है वो स्ट्रेच हो गई। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, लिसन प्रॉपरली, ठीक है, दोबारा एक बार बताते हैं। सी फर्स्ट, इन फर्स्ट पिक्चर, आप फर्स्ट पिक्चर को देखिए, फर्स्ट पिक्चर देखिए आपने, फर्स्ट पिक्चर में आपने देखा व्हेन यू बेंड योर आर्म, जब आपने अपने आर्म को बेंड किया, तो यहाँ देखिए जो अपर मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई और ये जो लोअर मसल है, जो नीचे वाली मसल है, ये स्ट्रेच हो गई, यानी कि ये रिलैक्स हो गई और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। अब सिमिलरली अब यहाँ देखिए, जब आपने अपनी पोजिशन, आपने अपने हैंड को रिलैक्स, देखिए आपने रिलैक्स किया अपनी पोजिशन, यहाँ आपने बेंड किया, यहाँ आपने आपका हैंड बेंड हुआ, यहाँ आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब यहाँ देखिए क्या क्या हुआ, ये जो अपर मसल थी, ऊपर वाली मसल, अब ये रिलैक्स हो गई और लोअर वाली जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। इट मीन्स हमारी जो अपर मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, दैट इज नोन एज बाइसेप, इसे बोलते हैं बाइसेप, और जो रिलैक्स होगी, स्ट्रेच करेगी, दैट इज नोन एज ट्राइसेप, ठीक है। जब आपने बैंड किया था तो हमने देखा था जो बाइसेप है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और लोअर वाली मसल ट्राइसेप रिलैक्स हुआ। सेकेंड केस में आपका हैंड की पोजिशन देखिए, अब आपका अपर मसल जो था, यानी कि अपर मसल रिलैक्स हुआ, यानी कि ट्राइसेप रिलैक्स हुआ, और जो आपका बाइसेप था वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओके, इट मींस मूवमेंट ऑफ द मसल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ओनली। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ मसल्स। So we have learned about how the muscles move and by the process of contraction and relaxation. Okay, so now we will learn about different types of muscles. According to the structure and function, muscles are put into three groups. What are three groups? Voluntary muscles, involuntary muscles, and the cardiac muscles. We will learn about these three types of muscles one by one. So फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट वॉलंटरी मसल्स, द मसल्स विच वी कैन कंट्रोल, जो मसल्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल। वी कैन बैंड, ओके, यू कैन बैंड योर आर्म्स, आप अपने हैंड को, आप अपने आर्म्स को बैंड कर सकते हैं। यू कैन किक अ फुटबॉल विद योर लेग, आप फुटबॉल को किक कर सकते हो अपने लेग से। यू कैन राइट विद योर हैंड, अपने हैंड से राइट लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप, ये सारी एक्टिविटीज आपके कंट्रोल में, ऑल दीज एक्टिविटीज आर इन आर कंट्रोल, इन आवर कंट्रोल। सो द एक्टिविटीज विच आर इन आवर कंट्रोल, द मसल्स विच वी कैन कंट्रोल आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स, एंड वॉलंटरी मसल्स कंट्रोल दिस मूवमेंट विद अ फर्दर कंट्रोल बाय अस। वॉलंटरी मसल कंट्रोल करते हैं इन मूवमेंट्स को और जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर वॉलंटरी मसल्स। इन सिंपल लैंग्वेज, मसल विच आर इन अवर कंट्रोल, जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन वॉलंटरी मसल्स जस्ट अपोजिट हो गया इसके, क्या हुआ, द इन का मतलब इट मीन्स दे आर नॉट इन अवर कंट्रोल। तो द मसल्स विच आर नॉट इन अवर कंट्रोल, कौन कौन से मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे फूड पाइप, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, ये सारे जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, क्या इनका आप पे कंट्रोल होता है, आप कंट्रोल कर सकते हैं? नो, दे आर दे फंक्शन देन सब, इनका फंक्शन तो कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये आप ही कंट्रोल, आप इन्हें रोक सकते हो क्या? आप फंक्शन जो आपका ब्लड वेसल का, उन्हें अपने हाथों से रोक सकते हो क्या? फूड पाइप के फंक्शन को रोक सकते हो? स्टोमक के फंक्शन को रोक सकते हो? इंटेस्टाइन के फंक्शन को रोक सकते हो? किडनी के फंक्शन को रोक सकते हो? हार्ट के फंक्शन, हार्ट को पंप होने से रोक सकते हो? No, these all activities, these function of our organ systems are not in our control. That is why they are known as involuntary muscles. It means the muscles which are not in our control are called involuntary muscles. Food pipe, stomach, intestine, heart, all these are the
और दीज आर द ऑर्गन विच हैव इनवॉलेंट्री मसल्स, जिनके पास इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, और इन मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल्ड दैट स्मूथ मसल्स. ओके कम ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट इज थर्ड टाइप ऑफ मसल्स, दैट इज कार्डिक मसल्स. कार्डिक मसल्स दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल. ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती. इट मीन्स दे आर ऑल्सो नोन एज इनवॉलेंट्री मसल. इन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कह सकते क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. इट मीन्स दे आर ऑल्सो नोन एज इनवॉलेंट्री मसल. अवर हार्ट, ये जो हमारा हार्ट है, ठीक है, इट इज़ मेड अप सेफरेट काइंड ऑफ मसल. ये बहुत सारे मसल्स का, अलग अलग स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स का बने हुए हैं. एंड दीज मसल्स आर नोन एज कार्डिक मसल्स एंड दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स ऑल्सो. वी कैन से इनवॉलेंट्री मसल्स ऑल्सो. दे वर्क थ्रू आउट अवर लाइफ विदाउट गेटिंग टायर्ड. और ये पूरी लाइफ पर हमारे चलते रहेंगे बिना रुके हुए. इट मीन्स द ऑर्गन विच आर फंक्शनिंग कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्डिक मसल्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज इनवॉलेंट्री मसल बिकॉज दे आर नॉट इन अवर कंट्रोल. I hope you have understood. Now, we will learn about development of muscles. How we can make our muscles healthy. Healthy food and regular exercise keep our bones and muscles healthy and fit. Food items like cereal, wheat, rice, pulses, milk, fruits, vegetables, eggs and fish are the good for our bones and muscles. We must eat a balanced diet. Playing outdoor games are good exercises. Do good exercises for our bone and muscles, for making our bones and muscles healthy, and it makes our bones and muscles body healthy and strong. So we must play outdoor games and exercise regularly. That then only we can able to make our healthy bones and muscles. So it is very necessary that we should develop our muscles. So, exercise like running, cycling and yoga are good for muscle development. Next, now we come up overview of chapter. The tissue that carry out same task form an organ. There is a framework of bone inside our body called skeleton. The skull is the heart and bone structure in our body that protect the brain. Humerus is the long bone in our upper arm and femur is the long thigh bone. Bones that protect delicate internal organs of the body. The place where two bones meet is called joint. Below our skin and above our bones lie soft tissues called muscles. Muscles also regulate body heat. Muscles hamari body heat ko bhi regulate karte hain. So here we have completed our chapter. Explanation part. If you have not understood the chapter, please see the videos again and again so that you can understand the concept of the chapter. But all the parts see continuously. Okay, continuously means don't leave any part. You have to see from the beginning of the part, all the parts, then only you will come to the chapter. Okay, you will understand the chapter. So here we have completed our chapter. So if you like the video, please like, share and subscribe so that you can get the notification of all the videos that I will upload. Thank you. Take care.